बस जब वो अपने वालिद के पास वापस गए तो कहने लगे कि अब्बा, हमारे लिए गल्ले की बंदिश कर दी गई है, तो हमारे साथ हमारे भाई को भेज दीजिए ताकि हम फिर गल्ला लाएं और हम इसके निगहबान हैं। याकूब ने कहा कि मैं इसके बारे में तुम्हारा एतबार नहीं करता, मगर वैसा ही जैसा पहले इसके भाई के बारे में किया था, सो अल्लाह ही बेहतर निगहबान है और वो सबसे ज्यादा रहम करने वाला है। और जब उन्होंने अपना असबाब खोला तो देखा कि उनका सरमाया वापस कर दिया गया है। कहने लगे, अब्बा हमें और क्या चाहिए, देखिए ये हमारी पूंजी भी हमें वापस कर दी गई है और हम अपने अहलो अयाल के लिए फिर गल्ला लाएंगे और अपने भाई की निगहबानी करेंगे और एक बारे शुत्र ज्यादा लाएंगे कि ये गल्ला जो हम लाए हैं थोड़ा है। याकूब ने कहा कि जब तक तुम अल्लाह का अहद न दो कि इसको मेरे पास सही और सालिम ले आओगे, मैं इसे हरगिज तुम्हारे साथ नहीं भेजने का, मगर यह कि तुम घेर लिए जाओ यानी बेबस हो जाओ तो मजबूरी है। बस जब उन्होंने वालिद को अपना कौल दिया तो याकूब ने कहा कि जो कौलो करार हम कर रहे हैं उसका अल्लाह जामिन है।